नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ SMII। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसम सुनी कंपनी के स्टॉक के बारे में। और दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल हैज़ गिवन ए न्यू टारगेट लेवल ऑफ द मदरसन सुन्नी एट 300 रुपीज़। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी किस तरह आने वाले टाइम में ग्रोथ शो कर सकती है। इसका बिजनेस भी स्टडी करेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की तरफ और इसके डिटेल स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल जो कि हमारे देश की बहुत ही बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, दैट हैज़ गिवन ए बाई कॉल ऑन द मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹300। करंटली द मार्केट प्राइस ऑफ द मदरसुमी सिस्टम्स इज ₹255 नियरली। दोस्तों, ये कल की मार्केट प्राइस थी, आज की इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 250 निकल कर आ रही है क्योंकि इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखा गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आने वाले 1 साल में बहुत ही बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं मदरसन सुमी सिस्टम के स्टॉक के बारे में। सो दोस्तों, जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1 ईयर, आप देख सकते हो नेक्स्ट 1 ईयर में ये स्टॉक बहुत ही अच्छी रैली शो कर सकता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1986। दिस इज़ ए लार्ज कैप कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹84,980 करोड्स एंड दिस इज ऑपरेटिंग इन द ऑटो एंसिलरीज सेक्टर। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो कंपनी है ऑटो एंसिलरीज सेक्टर में काम करती है और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ऑटोज़ के, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स हैं वो बनाने का काम करती है। सबसे पहले दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं। ये जो कंपनी है दोस्तों, दैट हैड प्रेजेंटेड ए Q4 रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन द 31/3/2021 एंड द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹17,000 नीली। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी की जो टोटल इनकम है लेटेस्ट क्वार्टर में 17,000 करोड़ जो है वो देखी गई है एंड इट हैज़ बिन रिड्यूस बाई 0.72% नियरली फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹17,157 करोड़। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस कंपनी की जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है वो मार्जिनली रिड्यूस हो रही है ऑन क्वार्टर बेसिस, बट दोस्तों दिस इनकम हैज़ बिन इंक्रीज बाई 12.25% फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹15,174 करोड़। दोस्तों, आप देख सकते हो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी दैट वाज 15,174 करोड़ और यहाँ पे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.25% की बहुत ही बढ़िया वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जो है वो देखी गई है। द कंपनी हैज़ आल्सो रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज़ पैट ऑफ ₹994 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस कंपनी ने जो बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया हुआ है इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो इन ओवरऑल दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो दिख रही है। अब दोस्तों, हम इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल जानेंगे और देखेंगे कि जो मोतीलाल ओसवाल है वो मदरसन सुमी पे क्यों ब्यूलिश दिख रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही हैं और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए बहुत ही अच्छी EPS ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। द ब्रोकरेज हैज़ इंक्रीज द टारगेट प्राइस ₹2 नियरली 300 पर शेयर। दोस्तों, दिस इज़ ड्यू टू द इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी ऑफ द सस्टेन्ड रिकवरी। दोस्तों, ये जो कंपनी है उसकी जो बिजनेस है उसमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में अब कोविड पेंडेमिक की सेकेंड वेव चल रही थी और इसका हमारे इस कंपनी के भी इफेक्ट देखा गया है, बट दोस्तों आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ जो है बहुत ही विजिबल है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसलिए दोस्तों, इसके जो टारगेट लेवल हैं वो भी इंक्रीज कर दिए गए हैं, दैट इज़ एट ₹300 पर शेयर फॉर 1 ईयर।
तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों इस कंपनी की रिकवरी दिख रही है और बहुत ही अच्छी दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। दोस्तों अब हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग मैक्सिमम ऑफ 61.7% स्टेक इन दिस कंपनी एज ऑन द फोर्थ क्वार्टर एंडेड ऑन मार्च 31, 2021। द FIIs आर होल्डिंग 16.6% ऑफ होल्डिंग, DIIs आर होल्डिंग 13.4% ऑफ स्टेक इन दिस कंपनी एंड द पब्लिक इज होल्डिंग 8.2% ऑफ स्टेक इन दिस कंपनी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही मिक्स निकल कर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। दोस्तों जो FIIs हैं, DIIs हैं एंड द पब्लिक दैट इज शोइंग कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन दिस कंपनी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर शोइंग गुड एंथुजम इन दिस कंपनी एंड दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग देयर मनी इन दिस कंपनी ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग रिकवरी एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। क्योंकि इसके जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं दे आर आल्सो ओवरऑल पॉजिटिव ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस और इसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया निकल कर आ रहा है और फ्यूचर में भी दोस्तों जैसे जैसे रिकवरी होगी, जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक का इफेक्ट कम होगा तो इस कंपनी के स्टॉक में भी तेजी देखी जाएगी ड्यू टू द रिकवरी इन द ऑटो सेक्टर। तो एंड में दोस्तों हम आपको यही कहना चाहते हैं आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 300 का टारगेट लेके आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो, अपनी पोजिशन बना सकते हो। और दोस्तों आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहें, जब बाई ऑन डिप्स करते रहें, सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आपकी रिटर्न जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकती हैं। सो एंड में दोस्तों भी थैंक्स यू, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उस पर भी हम आपको लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पेश करते रहेंगे और लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं वो आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल का हमारे का वो कमेंट्स में भी दिया हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स अगेन।